टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना अच्छा फीडबैक देते हैं हमें अपनी पुरानी एपिसोड्स पर। थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक हम बाकायदगी से पढ़ते भी हैं और कोशिश करते हैं कि जो उसमें अच्छे सजेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट भी करें, बिकॉज ये आपका शो है। आप दिल खोल कर हमें सजेशंस दे सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनको इनकॉर्पोरेट करें। आपकी मुलाकात कराऊंगा सबसे पहले हमारे हाउस बैंड से, द कराची बॉयज। भाइयों कैसे हैं? सब ठीक ठाक मजे में? बड़े दिनों बाद सबने काले कपड़े पहने, वेरी गुड, और सब एक जैसे लग रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे शो की जान मिस्टर काशिप भाई। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे काशिप भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। काशिप भाई माशाल्लाह आप दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं, ग्रूम होते जा रहे हैं, क्या सीन है? आप पे जरा निखार थोड़ा देर से आया है। देर से आया है, इस सुस्ती की क्या वजह है? बुढ़ापे में आया। नहीं नहीं, बुढ़ापे में कहाँ। अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि इंसान ग्रो कर रहा है, ज्यादा अच्छा ग्रूम हो रहा है। सो वेल डन, बहुत मुबारकबाद आपको। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील हम जैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदि भाई क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में काम चल रहा है, मार्केट में लोगों की सिमें बंद हो रही हैं, कोरोना की वैक्सीन के लिए लाइनें लग रही हैं। हाँ, हाँ, पहले लोग सीरियस नहीं हो रहे थे। हाँ, अब जब हुकूमत ने धमकी दी है कि जी हम आपकी सिम बंद कर देंगे, तब हमारी कौम सीरियस हो गई है। अब तो लाइनें लग रही हैं, लोगों को टेंशन हो गया। आइडिया किसने दिया होगा? जो भी आइडिया है, मीटिंग चल रही हो खास यार, लोग वैक्सीन नहीं लगवा, किसी ने सर वो सिम बंद करने, लोग लगवा लेंगे। और लोगों ने लगवा ली और ये इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया और लोग सीरियस हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें करना तो है। हाँ, अब इज्जत से कर लें, प्यार से। अगर इसी वैक्सीन का 50 रुपए कोई ले रहा होता तो वो तो यार 50 रुपए का है और ये महंगी है और यूं है और गरीबों का यूं है। हाँ, और इसको यूं है, उसको वो है। ठीक है, जब फ्री होगी है तो मसला ये हो रहा है कि यार ये तो फ्री है, ये तो पानी लगा देंगे, तो ये लगा देंगे, तो वो लगा देंगे। ऐसा भी तो इस तरह नहीं, तो उस तरह कभी ना कभी आपको लगवानी पड़ेगी। तो मेरी आप मुझे समझ में नहीं आता कि लगवाने में मसला क्या है, इतनी पूरी दुनिया लगवा रही है, डेढ़ होशियार भी तो है ना। हाँ, अजीब अजीब चीजें सुनिए। देखिए हमने बताया हुआ है कि मोटरसाइकिल और गाड़ी में न्यूट्रल गियर होता है। हाँ, लेकिन फिर भी हम सिग्नल पे पहले गियर में डाल के उसको यूं करते रहते। तो ये हमारा मसला है, हमारे कुछ अजीब मसाइल है। अजीब मसाइल है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला हम खत्म करते हैं क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है, आज के जमाने मुझे लगता है एक पूरा शो हो सकता है सिर्फ उनकी तारीफों पे। बिल्कुल हो सकता है, अगर हम बताते चलेंगे वो क्या 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 माशाल्लाह से। हमारे लिए बहुत ही एजाज की बात है कि वो हमारे शो पर आए। बिल्कुल, क्योंकि हमें बहुत कम ना हमारे बहुत कम मुंह लगाते हमें, लेकिन उन्होंने जब ये शो शुरू हुआ था उन्होंने तभी कहा था कि मैं आपके शो पर आऊंगा और आज वो बात उन्होंने पूरी भी कर दी है, अपना वादा पूरा कर दिया है। एक बहुत ही कमाल एक्टर हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ऐसे गिफ्टेड एक्टर्स होते हैं जो कि जो भी करते हैं ना वो कमाल कर देते हैं और वो एक ही चीज में नहीं फंसते। उनसे आप कॉमेडी काम करवा लें, सीरियस करवा लें, और उसके साथ साथ वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल होस्ट हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब होस्टिंग का जो उन्होंने सीन ऑन किया है ना, और वो भी उस वक्त जब होस्टिंग का इतना रुझान नहीं था। हाँ, और बहुत कम जगहों पे ऐसे शोज होते थे। मुझे आज भी याद है एज ए स्टूडेंट मैं एक इनका लेट नाइट शो होता था पीटीवी पे। अच्छा, उसको मैं बाकायदगी से देखता था। वाह वाह। और इनकी वजह से मेरी उर्दू अच्छी हुई है, इनकी वजह से मुझे शेर व शायरी के बारे में पता चला है, इनकी वजह से मुझे गजलों के बारे में पता चला है। तो ये इतने कनेक्टेड है हमारे रूट से कि मुझे लगता है अगर आपने हिस्ट्री पे बात करनी हो या इनफैक्ट किसी भी चीज पे बात करनी हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ये वो हमारे इंडस्ट्री के बहुत कम लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये वाकई में आर्टिस्ट हैं। वाकई में हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि पहली बार आधे दिन का दो सीन का काम मिला है। हाँ, और जब हम घर आते हैं तो
बड़े भाइयों की तरह प्यार करते हैं हम लोगों से, रहते दूसरे शहर में लेकिन इनका आना जाने आ रहा है। अगर आप ये हमारी कोई अच्छी चीज देख लें, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे वो कहीं से भी हो, इनकी अगर नजर से गुजर जाए तो ये एक मिनट नहीं लगाते कॉल करने में, मैसेज करने में, फौरन अप्रिशिएट करने में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है आज के जमाने में। तो ये आज अपना वादा पूरा कर रहे हैं हमारे पास आके, तो आइए हम इनको, मैं ये तो नहीं कहूंगा इनको आज हम तंग करेंगे लेकिन इनसे बातचीत करेंगे, बहुत मजा आएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर नूरुल हसन। सर कैसे हैं आप? आइए आइए जहां दिल चाहे। वेलकम टू द मजेदार शो। तशरीफ बहुत, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी अभी आपने कोई कत्ल किया और है। अरे भाई उनका स्टाइल है यार, बहुत प्यारे। अच्छा अभी एक बात बताओ, ये मैं होने वाला अभी अभी जब ये शो शुरू हो रहा था और जब फजान दे रहा था इंट्रोडक्शन, मैंने ये पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मुझे जरूर पूछना चाहिए। तो मैंने देखा कि तुम इस तरह करके, तो तुम दुआ मांग रहे थे, यू डू इट बिफोर एवरी शो, इसी तरह करते एवरी शो एवरी परफॉर्मेंस। ये थोड़ा मसाइल है, कोई दो तीन दुआएं वो मैं पढ़ता हूं तो मुझे असल में आती ही दो तीन है। और ये एवरी परफॉर्मेंस नॉट जस्ट दिस शो, थिएटर के टाइम से मुझे याद है जब हमें कर्टन खुल रहा होता था तो आदि भाई पीछे खड़े होते थे। वो एक तरह वक्त होता है। हमने साकिब को भी देखा हमेशा, वो बैठे हुए ना, वो हमेशा। अरे हां साकिब भाई का तो हमने ये भी किया कि दूसरे मुल्कों से कॉल कर रहे हैं, साकिब स्टेज पे जाने वाले कॉल कर देते वो फोन करते चलो भाई सब हाथ उठाओ बिस्मिल्लाह, तो जहां भी खड़े हो वहीं से दुआ कर देते हमारे। बस हम एक छोटा सा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं फैजान को कह रहा था कि टेलीविजन से ज्यादा नेकेड आई से ज्यादा अच्छा सेट तुम लोगों का, बहुत अच्छा। ये दुआ करें कि कोशिश करेंगे हम लाइव लोगों को बिठा के दिखाएं और दुआ करेंगे हमारे पास कैमरे बेहतर वाले आ जाएं। नहीं नहीं अच्छे वाले आई जाएंगे और मैं अल्लाह करे कि इसका जब फोर्थ हो ना सीजन फोर तो फिर उसमें भी आए। अरे क्या ख्याल, आप पक्का कर लें कि आपने हर सीजन में आना है लाजमी? नहीं मैं कहते हैं जिंदगी रही तो। अरे नूर भाई सबसे पहला सवाल, कितनी बार कराची आते हैं? अरे बहुत, अब तो क्या कहते हैं आही गली में आना जाना आदत सी हो गई है काफी काफी ज्यादा। आही क्यों नहीं जाते आप? दो एक साल आई क्यों नहीं जाते, मतलब आप गेस्ट हाउस वालों का काम बढ़ा रहे हैं लाहौर? नहीं वो कुछ कर लिया उसका भी बंदोबस्त। वो कहते हैं कि जब लाहौर छूटता है ना अगर, तो फिर लाहौर के साथ बहुत कुछ छूट जाता है। सो वो मेरे ख्याल शहर आपके अंदर रहता है वैसे। एब्सोल्युटली हां, वो एब्सोल्युटली जो बर्थ प्लेस होती है शायद, मुझे लगता है आपकी। तो ये किसी ने बोला? बाकी आपको कितने अरसे बाद रियलाइज हुआ कि यार अब मुझे कराची में रहने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए? माशाल्लाह जितने चैनल स्विच करें आप माशाल्लाह हर जगह नजर आ रहे हैं। अली फैजान का शुक्रिया, वो उसकी उसने कहा और वो हमें एक जगह मिल गई। लेकिन वो व्हेन इट कम्स टू द गेस्ट हाउस कवि साहब सारे से वो बहुत अच्छा रहता था, वो C5 में भी और भी एक फिनोमेना ही है वो भी। मेरा बिल्कुल ऐसी है, बहुत सारे लोगों के काम करने में उसका बहुत ज्यादा दखल है कि सब बिल्कुल है, बिल्कुल है घर की तरह। अब कैसे होता है जब आपको बुलाया जाता है, तो क्या ऐसे होता है कि यार आप कराची आएंगे आ जाएंगे, या आप उनको पता है कि भाई इस बारे में तो बात नहीं करनी ये मैनेज कर लेंगे? नहीं वो मुझे लगता है कि सबको वो जरा साइकोलॉजिकल थोड़ा सा वो एक होता है। और फिर वो जब कोविड वगैरह का था जब शुरू हुआ तो उस वक्त कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार वो तो लाहौर से तो रहने दो, जहरी बात सारे आपको वो देखती नहीं होती है कंसिडरेशन, लेकिन काम करना चाहिए अच्छा आप इखलास। और जैसे अब तुम लोग, मैं कभी सोचा था कि जो तुम लोग आते हो इतने कूल मज़े से, ये कितना इट कम सो इजी टू यू पीपल, तुम लोग कितने मज़े से कर लेते हो। मतलब फैजान जो डांस करता है बिल्कुल बेशक, और जो इसने फिटनेस है ये तो एक जमीर बना हुआ है हमारा, इसको देख के ना बंदा सांस अंदर कर लेता है ना भाई, पेट का ना पता लगे फैजान से मिलने के बावजूद भी ये रोज उतनी स्ट्रगल कर रहा है आज भी, डाइट के साथ एक्सरसाइज के साथ, ये जरूरी है जरूरी है। और यू मेक आउट अ वंडरफुल Wonderful, what should I say? A great couple. अब हमें लोग कपल ही बोलते हैं। नूर भाई मुझे बताएं सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, क्या आप बचपन से ये करना चाहते थे, या है एक इंतहाई रवायती सवाल मुझे पता है, लेकिन क्या क्या सोचा आपने कि मैं कहाँ से ये करना है, एक्टिंग में ये करूँगा? टीवी देखा बहुत मैंने जी, तो एक इतनी फैसिनेशन जरूर थी कि ये कौन सी जगह है। मतलब आई रिमेम्बर कि टीवी 20 जब हुआ तो वो 84 था ना, 64, 20 साल तो मैं हूँगा सातवीं जमात में उस वक्त, तो था कि यार इस जगह पे बस अंदर ही है किसी से आपने कहानी। मुझे शौक भी था कि टीवी को मैं देखूं कि किस तरह, लेकिन वो इतना वक्त लेगा प्रोफेशन बन जाएगा ये नहीं सोचा था, सोचा हुआ था। तो आपने पढ़ाई क्या की, क्या आपने टीवी के हवाले से पढ़ाई की? डिप्रेसिंग सवाल किया वैसे तो वो उसको उसमें देखेंगे ना अपने क्या कहते हैं आप ऑक्यूपेशन में, तो मैं तो एक बी ए सेकेंड डिव हूँ बेसिकली अगर उसमें देखेंगे।
तो मास्टर्स में कर रहा था लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, वो मेरी बात नालायकी के पास नहीं हुआ, तो वो बस यही है। और हाँ, थिएटर फिर कॉलेज में बिल्कुल कर लिया था, और बल्कि बकौल मेरी बीवी के, वो कहती है कि आपने पढ़ने के अलावा सब कुछ किया कॉलेज तो थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते तो अच्छा होता। अच्छा, ये थिएटर वाले को मैंने सुना है, थिएटर वाले जितने लोग होते हैं हमारे पास अक्सर गेस्ट आते हैं जिन्होंने तीनों मीडियम्स में काम किया होता है, आप भी उनमें से एक हैं, तो वो कहते हैं जब हमने थिएटर शुरू किया तो वी रियलाइज कि ये दिस इज़ आवर थिंग, वी वांट टू डू दिस। नहीं तो आप आदि से बेहतर कौन बता सकता है, मतलब तुम भी मेरा उन लोगों में से हो कि तुम लोगों पे भी एक और जिंदगी आ जाती है जब तुम लोग स्टेज पे आते हो। ओह बिल्कुल। और वो जो एक सेंसेशन है जो आपको इमीडिएट रिस्पांस मिलता है वो बहुत कमाल है। और है। मुझे लग रहा है थिएटर बिल्कुल ना जिंदगी की ही तरह है, बिल्कुल नकद साथ साथ उसी वक्त गिरे उठे बैठे, क्या हुआ क्या नहीं है, मूंछ उतर गई गिर गई फिर हुआ लाइन भूल गए सारा वो सब, तो वो और कमाल की है जिंदगी। बल्कि मुझे लगता है कि अखबार में भी जो लोग काम करते हैं वहाँ की भी एक और जिंदगी, मैंने अखबार में भी कुछ अर्सा किया था, तो वो सब जगह की ना एक एक, अब यहाँ जो सारे लोग बैठे हैं उनके और किस तरह से इनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये किस तरह करते हैं, किस तरह से इनके फैमिली के लोग कहते हैं कि आप कहाँ होते हैं क्या कर रहे और आप क्या करते हैं, करते हैं। तो वो कैसे बताया जाए, आप सोचो उसकी जिंदगी कैसी होगी जो कहता है कि चेक बन गया लेकिन साइन नहीं हुआ। हाँ, उसकी भी जिंदगी होगी अकाउंट्स वाले जो हैं वो दुआएं भी बहुत लेते हैं और दुआएं भी बहुत लेते हैं। अच्छा, तो कभी आपसे सवाल हुआ कि आप कहाँ होते हैं भाई, क्या कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, मुझे लेकिन मैं बताऊँ, मुझे याद है ब्लेजर में मैं करता था जॉब, तो वहाँ ना एक स्लिप होती थी, उसका नाम था IOU। अच्छा, ये नहीं है कि आपने कुछ पैसे लिए तो आपने उसको साइन किया ना कि IOU। अच्छा, तो वो बाज वक्त जब आप तनख्वाह लेने जाते थे तो वो 15 स्लिप में IOU की निकाल के देता था, वो जितने बचते थे वो लेके आ जाते थे। क्या आपकी पहली तनख्वाह क्या थी? मेरी पहली तनख्वाह जो है, अगर दो तरह देखे, मैंने इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाया भी था। अच्छा, कुछ अर्सा, तो वो उसको तनख्वाह वो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल अखबार में जब की अप्रेंटिसशिप तो वो थी 2700। क्या उस वक्त 2700 ज़्यादा होते थे या नॉर्मल होते थे? यार ये जो है ना, ये भी मज़े की कहानी आदि, मैं एक बार, मुझे याद है मैं ब्लेजॉन में था और उस वक्त मेरी तनख्वाह थी शायद 7500। ठीक है, तो जब ऐसा वक्त हो ना और आप पैदल चल रहे हैं और कोई गाड़ी वाला गुजरे तो बहुत अच्छे लफ्जों में वो मट्टी उड़ा के जाए तो याद करता है बंदा, जिंदगी बुरी तरीन लगती है कि क्या है ना इंसाफी। और इसके बाद आराम का पैसा वो भी, हाँ ये भी एक एक वो ये तो हमारा वो है ही ना। तो वो मुझे याद है कि मैं एक वैगन में बैठा तो वहाँ कोई दो लोग मिले आपस में, कहा की हाल है उनका, जी ठीक ठाक, और मैं भी अब ये सोच रहा हूँ कि कौन बैठा है वैगन, फिर ये बदलनी है वगैरह जो भी ख्याल, दर ना शुक्रिया। तो उसमें से एक ने दूसरे से कहा कि हाँ जी भाई जी, बस 2500 रुपये महीना, बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। तो मैंने कहा कि यार इससे तीन गुना तो मेरी है तनख्वाह, तो मैं तो बहुत ना शुक्र हूँ। तो मुझे फिर अंदाजा ये हुआ कि इसमें कुछ और कहानी है, इसलिए कि इसका ताल्लुक कुछ शुक्रगुजारी से भी है, कनाट से भी है। क्या है आपके पास, क्या उस तरफ ध्यान है या नहीं, या जो नहीं है उस तरफ ज्यादा ध्यान, जैसे तुम कैमरास की बात कर रहे थे कि ये बदलें और अच्छे आ जाएं, लेकिन तुम्हें वो वक्त भी याद होगा कि जब तुम्हारा दिल होगा कि यार एक कैमरा हो, बस मुझे आप एक ब्रेक तो दें। तो वो एट टाइम्स ना आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे आप ना अपने पास को रिकॉल करते रहे। जैसे आपके दोस्त बहुत अच्छे रहते हैं जो मिले और आपको 2% का कर दें फौरन और वो सारा। तो अगर ये जो स्टार वगैरह जो भी बंदा बनता है, अगर ये स्टार कमबख्त घर भी चला जाए और दोस्तों के साथ भी स्टार हो, तो ये तो आप नॉट स्टार हो जाएंगे फिर, तो किसी काम के नहीं रहे। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी याद दहानी आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा ऐसा हो, जैसे मैं अब परवीन आ पाए ना, तो वो माशाल्लाह सबको यूनिफॉर्म कर देंगे। ये कितनी निकलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा होके निकला, इतनी होती है मेरी। I think we need to be grateful to all those people who cut us to a size. हमें हमारी औकात और उसका जो बता दें, वो आप यकीन करो आदि उनके जाने के बाद भी पता लगता है, अल्लाह सबको जिंदगी दे, लेकिन फिर जैसे कहते हैं कि अब्बा का आपको उस वक्त पता लगता है जब आप अब्बा
बन जाते हैं, वरना उससे पहले नहीं नहीं अब्बू आपको क्या पता, नहीं नहीं अब्बू आपको क्या पता, ये भी बंदा कह देता है। और अब्बू भी उस वक्त सोच रहे होंगे वहां बैठे, मतलब अगर मैं आपका सफर देखूं जहां से शुरू हुआ, आपकी क्या हैसियत है रोज़ अक्सर हम याद है हर किसी के बचपन में होते थे यार ये पापा एसी बंद कर देते हैं, यार ये पापा यूं बोलते हैं यार बाथरूम की लाइट बंद करके, और बंदा लेटे या लाइट बंद कर गया है। लेकिन जब आप पैसे कमाना शुरू करते हैं और पहला किसी भी चीज का बिल भरते हैं तब आपको रियलाइज होता है हाँ यार ये जाया हो रहा है। तो ये बात, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अब्बा का जहाँ तक सवाल है ना, वो कहते हैं मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं कि माँ मरे ते पेके मुकदे प्यो मरे कर सूना, और कहते हैं कि छत की तरह होता है। अगर जाए तो आपको लगता है कि छत नहीं है, जैसे छत नहीं रही। लेकिन फिर अब मैं कभी जैसे साकिब से मुलाकात हुई और फिर हम तो जिन जिक्र, तो ये भी हमारी लग्जे, कभी गौर करो जिनसे आप लड़ते हैं उनसे आप इसलिए लड़ते हैं कि वो जिंदा है, क्योंकि मरने के बाद तो कोई किसी से नहीं लड़ता। मैंने कभी किसी को किसी की कब्र से लड़ते नहीं देखा, इसलिए कि आप तो वो अगर जिंदा है तो भाई प्यार करें, मोहब्बत करें, माफ करें, दरगुजर करें, सौखा रहते हैं आप ऐसे। बहुत अच्छे, मेरा दिल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतनी सारी एक्टिंग की है, उसके अलावा आपने इतनी, मैंने भी आपके इतनी सारी एक्टिंग, हाँ माशाल्लाह इतनी सारी एक्टिंग करते हैं चैनल का, मैं आप एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं और फिर हर जगह नहीं कर रहे हैं ना, ये भी तो मसला है, ये भी मसला है जो कि सबसे नहीं हो पा रहा, हर जगह नहीं भी कर रहे हैं। और फिर एक आपके एक शो का मैंने जिक्र किया, वो मुझे, मैं नाइट टाइम ट्रांसमिशन, मुझे इतना क्लियरली वो याद है, और वो मतलब जैसे कहते हैं ना रूटीन का हिस्सा है कि बैठ के देख रहे, चलो भाई लगाओ वो शो का टाइम हो गया और वो देख रहे हैं और उस पर गज़लें चल रही हैं, और हमारे ज़माने में हमें बताया जाता है कि नहीं देखो सुनो ये इनकी गज़ल है, ये शेर व शायरी का ये वो है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये लगाव कहाँ से आया, ये कैसे सोचा कि यार ये वाला शो करना और होस्टिंग करनी है? नाइट टाइम ट्रांसमिशन का क्रेडिट तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब को जाता है, क्योंकि पीटीवी को उन्होंने करना था 24 आवर, तो सोचा कि लेट नाइट को किया जाए, और वो उस वक्त फिर ख्वाजा नजमुल हसन साहब और वो टीम थोड़ा मेरे हिस्से में आया, लेकिन सबको इकट्ठा मैंने थोड़ा किया कि सबको वो करके कुछ ऑडिशंस भी और वो सारा वो सब कुछ वो मिला, वो एक था टीम, और उसमें मुझे बड़ी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में भी काम करने को नहीं तैयार होते तो वो कह रहे थे कि रात को भी काम, तो मैंने ये भी देखा कि उन्होंने जोलियाँ उठा के कहा कि यार अब मुक्के तू भी मुक्का, मतलब ख़त्म हुए कि मुसीबत है वगैरह वगैरह वो सारा, लेकिन वो ऐसा फिनोमेना बन जाएगा और वो ऐसा ट्रेंड सेटर हो जाएगा, क्योंकि उन दिनों में ये जो जितने चैनल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो उनके पास टेरेस्ट्रियल नहीं था, तो सिर्फ हम ही थे जो लाइव वो बात करते थे, और उसका जो इनिशियल आइडिया था उसमें बहुत करंट अफेयर्स का भी था कि हमें इमीडिएट जो है मिनिस्टर्स को बुलाना है हर हफ्ते, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंप्लेंट्स और वो सारा वो इस तरह से भी, और फिर सेकंड 3-4 सेकंड का वो एक वो भी रखना है, वो कॉल कार लाइव लेनी है, तो वो उसमें सबको एक फिर वो एक शक्ल उसकी बनती चली गई, वो हुआ, फिर वो कराची भी आया, फिर वापस लाहौर। आपने कितना टाइम किया यार वो? मेरे ख्याल वो सारा तो शायद कोई 1.25 साल रहा, लेकिन वो जब लाहौर में था तो फिर उन्होंने कहा कराची आना चाहिए, फिर वो कराची से फिर वापस लाहौर आया, और फिर वो जैसे जिस रोज़ वो बंद हो रहा था तो मुझे उसके मुतालिक 5-6 रोज़ पहले उन्होंने बता दिया कि वो जो हमें एक्सपेक्टेड था उससे भी पहले बंद होने, तो मैंने किसी को नहीं बताया, व्यूज़ को भी नहीं बताया, क्योंकि वो सारा ये आप कहाँ जा रहे हैं, हम उदास हो जाए। तो जब मैंने बताया तो मुझे याद है मेरे सामने अली सावल और आलिया शाह बैठे थे, वो बहुत गुस्से, और वो तो मैंने उनसे एक सवाल किया और मुझे लगता है वो बड़ा सही सवाल था। मैंने कहा अली ये जब शुरू हुआ था तो ये तो नहीं तुमने पूछा था कि शुरू क्यों हुआ था? तो जिन्होंने शुरू किया उन्होंने बंद भी कर दिया, तो अगर इसका कोई टाइम होगा तो ये फिर हो भी जाएगा। जाहिर बात लोगों की अटैचमेंट होती है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो मीडिया की ये भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके पास व्यूअर्स हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका होता है आप सबको इकट्ठा कर लें, हाय हमारा दिल नहीं चाह रहा छोड़ने को आप, तो हमने कोई तहरीक थोड़ी चलानी। मेरे ख्याल एक मैनेजमेंट है, एक टेलीविजन का एक डिसीजन था, जैसे उनको अच्छा लगा। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये जो शोज हैं जिंदगी में या जहाँ जहाँ आप होते हैं, सब आनी जानी चीज़ें, आज है कल नहीं है, अगर आप उससे पहले जिंदा थे तो आप उसके बाद भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि खालिक वो है, रिस्क उसके पास है, अगर खुदा ना खासा किसी बंदे के पास होता तो वो बंद कर देता सब इंसान तो यही करता है, तो अल्लाह तो वो है, वो उसके पास। अच्छा नूर भाई ये बताएं, आप माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपने हर एक्ट्रेस के साथ काम किया होगा, बड़ी खातून के साथ भी, बच्ची के साथ भी, लड़की के साथ भी, ऐसा इस पूरे टाइम में कभी सच्चा या झूठा स्कैंडल बाहर आया है? स्कैंडल बाहर सच्चा हो या झूठा हो
सच्चा होगा तब भी आप झूठा ही कहेंगे, लेकिन चले नहीं नहीं मेरी तो हसरत ही रही कोई वो मुझे लगता है इसका इसका अच्छा एक में तो मैं मजे की बात था, मैं आई थिंक मेरे जो बदन लॉ इस्लामाबाद में होते हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, तो वो हाथ बहुत देखते थे अच्छा, तो वो मैं क्लास सिक्स या सेवन्थ में था, तो वो आपको हमें हर क्लास में या तीन चार साल में कोई ना कोई अच्छा ही लगता रहा तो एकदम ना उन्होंने हाथ देख के क्या कह रहे तुम तो आशिक हुसैन, मुझे लगा कि अभी तो नाम भी बता देंगे तो रंग भी करो आपको ना हाँ कि भाई अभी यही ना हो जाएगा कहाँ से, तो वो कहने का मकसद ये कि वो फिर अभी हमने जब इस जलेबी किया तो वो कैरेक्टर का नाम ही आशिक हुसैन था उसमें एडवोकेट वो सारा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हमारे हम जो है ना वो खामोश फनकार, खामोश मुजाहिद और खामोश आशिक ही रहे मेरा हाँ। तो मतलब कुछ सामने ऐसा नहीं आया, वो नहीं होता अक्सर आप सेट पे जाएं तो कुछ छेड़ते आपको, अच्छा भाई आप तो जरा खुश होंगे आज सेट पे, वो है ऐसा नहीं हुआ आपका? नहीं नहीं मेरा ख्याल है कि मोहब्बत जो है ना वो तो आपको मोहब्बत से तो ज़िंदगी इबारत है, लेकिन हमें ना इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया आदि वो ये कि गुज़िश्ता सालों में मैं देखता हूँ, मतलब मुझे ये लगता था कि जब आप फिल्म या ड्रामा देखते हैं तो हीरो वो होता है जो रिस्पेक्ट कमांड कराता है, विलन वो होता है जो टीज करता है, आवाज़ देता है, कुछ बदतमीजी करता है या तंग करता है, फिर हमारे आगे हीरोज का कॉन्सेप्ट बदला, वो एंटी हीरो हो गया, फिर वो कुछ विलन सा भी हो गया, फिर किरण भी आ गया, फिर वो सब कुछ मिक्स हो गया, किचमचोला हो गया, तो वो मुझे लगता था जैसे मुझे याद है तीसरा किनारा, तो मुझे राहत काजमी साहब को मैं बड़ा आई यूज टू लुक अप टू हिम के यार ये कैसे कमाल आदमी है कि सायरा काजमी इनके पीछे है, वो वैसे भी असल में भी वो मियां बीवी थे, लेकिन हम वो था यार ये कैसा हीरो है तीसरा किनारा में कोटी पहन के शलवार कमीज पहन के फिर रहा है कोई से, वो फाउंटेन हेड का वो था एडेप्टेशन और वो इतनी खूबसूरत सायरा काजमी जो इन पे फिदा और उसको कोई परवाह ही नहीं तो वो ऐसा मुझे लगता था कि ऐसा कोई हीरो बंदे को होना चाहिए, लेकिन वैसे तुमसे मैं बल्कि तुम दोनों से पूछता हूँ एक बार, तुम लोगों को क्या लगता है कि महबूब होना ज़्यादा मुश्किल है कि आप मोहब्बत करना ज़्यादा मुश्किल है? मेरे ख्याल से महबूब होना ज्यादा मुश्किल, मुझे जिम्मेदारी उसकी ज्यादा है, मुझे लगता है मोहब्बत करना ज्यादा मुश्किल। अरे किससे पूछ रहे हैं आप? लेकिन मजे की बात है, नहीं तुम दोनों अपनी अपनी जगह, ये वैसे बड़ी फूड फॉर थॉट है आप सबके लिए, सिंगल और शादीशुदा का फर्क है जवाब में सिंगल और शादी शायर ने एक्सपीरियंस जरा डिफरेंट, जिस सोफे तुम बैठे हो जहाँ से तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, जिस सोफे में तुम बैठे हो वहाँ से भी हमारा पोस्ट ऑफिस एक ही यार। अच्छा मुझे बताएं आप जब एक स्क्रिप्ट आती है तो उसमें क्या सबसे पहले देखते हैं आप? डायरेक्टर देखते हैं, अपना कैरेक्टर देखते हैं, चैनल देखते हैं या चैनल देखते हैं, सीन क्या है? नहीं मेरे ख्याल सबसे पहले तो चाहे जो कुछ मर्जी हो, बहुत ही अच्छा तो यही किया, लेकिन वो मुझे तो स्कैंडल से एक बात ये याद आई कि जब मैंने टेलीविजन शुरू किया था इट वाज 98 ठीक है, और मैंने अभी कोई साल एक हुआ था, तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ और मैंने घर में कहा कि मैंने शादी करनी है, तो उन्होंने मुझे पहले तो जब टेलीविजन किया था और पहला उसका चेक था 375 रुपये और मैं जॉब भी कर रहा था, तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा ये क्यों तुम करते हो, तो मैंने कहा जी मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैं तो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और करके देखना चाहता हूँ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो तो एक्सेप्टेंस हो गई और ये तुम्हें करना चाहिए, तो उन्होंने कहा शादी की क्या जरूरत है, मैंने कहा शादी की जरूरत है क्योंकि आपका ना पुरसकून होना बहुत जरूरी है, तो वो बड़ा लकीली फिर ये हुआ कि आई गॉट एंगेज्ड इन 2000 और मैंने अपनी शादी से 15 रोज पहले तक अपनी नौकरी छोड़ी थी। अच्छा हाँ मैं मैनहट्टन लियोबर्नेट में काम कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था टीवी बीवी और नौकरी में से कोई दो चीजें साथ चल सकती रह सकती है। तो ऐसा तो नहीं हो जब भाभी को आपने बताया यार देखो 15 दिन बाद शादी, उसने कहा हाँ वेरी एक्साइटेड। नहीं भाभी को ये बताया कि ये नौकरी में छोड़ रहा हूँ, उसके बाद क्या किया उन्होंने? अरे वो उसके जो वो खदशात मेरे ख्याल वो होंगे, लेकिन वो वी हैड अ डिस्कशन वो उस पे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये ठीक है वरना बट जाएगा और वो नहीं हो सकेगा कुछ, और वो मेरे ख्याल दैट वाज अ राइट डिसीजन। तो भाभी वाज ऑल हैप्पी, वो अब तक ऐसा ही है फिर अभी तक? हां वो यही हुआ, वो नौकरी तो फिर बाद में नहीं की। आपको इस तरह तो नहीं होता कि आप सेट पे बैठे हुए और एक फोन आया आपने नहीं उठाया तो फिर वीडियो कॉल आगे की दिखाओ आसपास कौन है? बहुत सारे एक्टर्स के साथ ये भी होता है। नहीं नहीं वो मैं वो मेरा ख्याल मुझे जानती है वो उनको पता है कि सेट पे ही मेरा ख्याल मुझे जानती है क्योंकि हमारे एक दो एक्टर्स हैं उनको मैंने देखा है ना वो सेट पे तो होते हैं लेकिन वो अक्सर पे किसी को सेट करके उस पे होते हैं वो अलग अलग। अच्छा जी मुझे बताएं ना मेरे वाले सवाल के। हाँ तुम कहते स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फैजान स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और डायरेक्टर बहुत ही जरूरी, लेकिन उसके अंदर ये हुआ कि पिछले कोई 2 बरस पहले तो मैंने ऐसी स्क्रिप्ट, फिर एक स्क्रिप्ट गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप क्या करना है काम, वो कौन सा आएगा जो आप करें? तो सवाल उसका बड़ा वैलिड था, तो मैंने कहा कि मैंने कहा नहीं यार वो, तो उसने कहा नहीं फिर तो आपको नहीं बदल लेना चाहिए अगर वो है ही नहीं तो।
क्योंकि उस आइडियलिस्टिक भी एक लग रहा होगा ना कि बहुत ही कुछ शानदार चीज़ है, आप सारे लोग भी काम करते भी नज़र आते हैं कि भाई ये कैसे कर लेते हैं, ये कैसे नज़र आते हैं। तो फिर वो मैंने कहा कि हाँ यार मैं को बहुत ही तुरम खान हूँ, तो मैं मुझे थोड़ा सा आना चाहिए। तो मैंने एक किया स्क्रिप्ट जो मुझे नहीं था, लेकिन मैंने कहा मुझे कर लेना चाहिए। तो लेकिन प्राइमरीली स्क्रिप्ट और डायरेक्टर। और पैसे? पैसे आते हैं, लेकिन पैसे मेरा ख्याल है कि तीसरे नंबर पे आते हैं। मतलब प्रायोरिटी नहीं है वो। तो पैसों पे कैसा? मतलब मुझे ये लगता है आदि एक अच्छा फार्मूला करना चाहिए, वो ये कि अच्छा काम थोड़े पैसों में कर लें और बुरा काम ज्यादा पैसों में कर लें। काम करें बैलेंस ज्यादा है। नहीं ना, ना करना भी जरूरी है आई थिंक। ये तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो ऐसे जब टेस्ट आते हैं ना, तो आपके ईमान का भी टेस्ट आता है। बिल्कुल ऐसे तुम सब लोग भी गुजरे हुए हो और सारे हम सभी गुजरे हुए कि हाँ भाई वो देखेंगे तुम्हारे लिए कोई आसमान से उतरेगा कहाँ कोई किस तरह का। और वक्त को बदलते कोई देर नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आपकी कन्विक्शन है, जो आपका फेथ है, आपका ईमान है, या जो बाबा कभी आप अकेले में उससे कहते हैं कि अल्लाह तुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरह से, तो तू संभाल लेना, जैसे तुम्हारी दुआ है वो उसी तरह ही। तो मुझे लगता है कि बस वो पर्दे रख लेता है। एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। मैं तो कभी सोचता हूँ इतना फॉर्चुनेट कि एंकरिंग जब मैं करता था और एक्टिंग उस वक्त नहीं करता था, तो सोचा था कि बुरी एक्टिंग नहीं करनी। फिर एंकरिंग का वक्त आया तो कहा कि बुरी एंकरिंग नहीं करनी, अब एक्टिंग कर ले। तो कहीं ना कहीं से स्नीक पीक मिल जाता है। आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरे साथ के जैसे तौसीक, फारूक, सारे मेरे सीनियर्स, फरा, ये सब, फरा ने तो काफ़ी किया काम, लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से मिल गया। मतलब लोगों को शायद व्यूज़ को ये पता है कि मैं कौन हूँ, कौन मैं नहीं हूँ। और वरना मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कोई लोग अपनी मूंछें इसलिए नहीं कटवाते कि वो कह रहे हैं कि मेरा इमेज पता नहीं चलेगा या नहीं, ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तो मेरा मतलब जितने पहनते हैं या जैसे भी, तो वो आई डोंट नो। आपने बोला एकदम से मुझे अवार्ड्स दिखे ना, पता नहीं क्यों। नहीं, वो मुझे लगता है कि ये बड़ी बड़ी फॉर्चुनेट बात है आपकी एक्सेप्टेंस का होना, आपके व्यूअर्स जानते हों आपको किसी ना किसी तरह। क्योंकि देखो ना, एंकर मुझे ये लगता है कि एक अच्छा एक्टर एक अच्छा एंकर भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन एक अच्छा एंकर जरूरी नहीं कि अच्छा एक्टर भी हो। बिल्कुल सही मुझे बात। ये लगता। हाँ। आपने हमारा एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा किया है, दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो। और ये हमने एक सुना है लोगों से कि आप काशिफ भाई के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं काम करने में, और उनकी स्क्रिप्ट पे आप कभी ज्यादा सोचते नहीं है। काशिफ प्रोसेस, ये दिल ना उम्मीद तो नहीं का प्रोसेस। मुझे काशिफ तो इज लाइक वन ऑफ दोस के काशिफ को कहें कि वो वापडा उससे नीचे फेंक दे, तो मैं कहूंगा ठीक है काशिफ कह रहे हो, फेंक दे, छलांग मार देंगे। अरे वाह। मेरा ख्याल है कि आपको अपनी जिंदगी में उन लोगों का जरूर पता होना चाहिए कि जो जिन पे आपको यकीन हो, तो फिर वो कोई मसला नहीं है। दिल ना उम्मीद तो नहीं में का जो स्क्रिप्ट है और वो सारा जितना प्रोग्रेशन था, तो वो डेफिनेटली उसकी एक बहुत बड़ी वजह इट वाज काशिफ, बिकॉज आई कुड ट्रस्ट हिम, और वो हम देख सकते थे। और वो बड़ा मुझे लगता है कि हर नए आने वाले एक्टर को एक दफ़ा काशिफ निसार के साथ ज़रूर काम करना चाहिए, इसलिए कि वो एक एक्टर्स डायरेक्टर है, वो कितना सटल अंदाज में आपको सिखा देता है, बता देता है, उसके यहाँ अनसेट बहुत अच्छा है। अच्छा। यानी अनकहा इतना पेनिट्रेटिंग होता है कि वो मेरा ख्याल ये एक बड़ी बात है। फिर इस मेरे पिछले एक साल के अंदर में तो अली फैजान के साथ किया काम, और अली भी इतना एक हजरत आदमी है। मतलब मोहसिन दलत के साथ तो बहुत पुराना किया हुआ काम वो सबका था, अहमद कामरान, ये सब लोग तो सब मुझे, मैं बड़ा वैसे फॉर्चुनेट हूँ, या वैसे मैं कभी गौर करूँ तो पता नहीं कोई कहने वाला कहे कि या तो मैं डायरेक्टर को दोस्त बना लेता हूँ या डायरेक्टर मेरा दोस्त बन जाता है। कुछ यही वजह है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी, मुझे शायद रखने में अकरबा परवरी का ज्यादा दखल है। नहीं, मैंने देखा आसपास आपकी माशाल्लाह सबसे दोस्ती होती है। तो लोग दोस्त, लोग अक्सर लोग भी बोलते होंगे आपके जाने वाले के रिश्तेदारी पे काम चल रहा है, इसके ताल्लुकात पे काम चल रहा है। लेकिन आई डोंट नो, जैसे अब खुदा और मोहब्बत था, तो मैं और वजाहत इज लाइक यंगर ब्रदर, तो हम शायद एक दूसरे को 15-16 साल से जानते हैं। लेकिन इस साल में हमने पहली बार काम किया, एज एंकर किया हुआ था काम। अच्छा। व्हेन यू टू वर्क फॉर एटीवी और ए प्लस, तो लेकिन एज एक्टर नहीं किया था कभी काम। अच्छा। लेकिन वो खुदा और मोहब्बत हो जाएगा, वो इतना फिनोमिनल हो जाएगा, ये भी नहीं सोचा था। इस जलेबी, इस जलेबी भी बिल्कुल वही, वो साथ हुआ और बिल्कुल ही एडवर्स। देखो ना, ये बड़ी आप इसमें, मैं तुम दोनों बैठे हो और तुम कमाल के अदाकार हो, दोनों गजब के परफॉर्मर हो। मैं, मुझे अपनी लिमिटेशन का बड़ी अच्छी तरह पता है। अल्लाह दिलीप साहब को, यूसुफ साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे, लेकिन भाई हम नहीं हैं। और ऊपर से
हुलिया भी कुछ बदला नहीं जा सकता, दाढ़ी रहनी अब रहनी है, बाल जितने हैं हैं इसी के साथ। मतलब मुझे कभी कभी लगता है, और मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मिक्सिंग भी खुद ही अच्छा लगता है उससे माफ़ी, मतलब मुझे लगता है मैं बिल्कुल एक कबाड़िए की दुकान हूँ कि मतलब जहाँ है जैसे है कि बुनियाद पे कि भाई जानिए आपको कबूल है तो आप रख लें, इसमें ये हो जाएगा ये हो जाएगा, इतना ही कर सकते हैं। अच्छा, मैं उससे ज़्यादा मेरा अगला सवाल वैसे यही था कि कभी आपने खुद को डाउट किया है कि यार ये शायद मैं नहीं कर सकूँ, ये मुझे दे तो नहीं लेकिन ये कैसे करूँगा मैं? नहीं फैजान, वो मैं मेरे ख्याल हर उस चीज़ पर डाउट करता हूँ, और मैं मेरे ख्याल उन एक्टर्स में से हूँ। मुझे याद है आफ्ताब इकबाल साहब ने, आफ्ताब अकबर साहब ने एक सीरियल किया था 2003 में, तो वो फैसल कुरैशी वो कर रहे थे, फैसल कुरैशी वो रोल कर चुके थे। अच्छा। फैसल शिफ्टेड टू कराची और वो कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया, और साथ उन्होंने मुझे कहा कि यार ये फैसल ने किया हुआ रोल, फैसल तो एक एक्टर है भाई, कमाल के एक्टर है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा, होस्टिंग में करता था, तो मैंने कहा बॉस एक बात मैंने कहनी है आपसे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा, मैंने कहा बॉस मेरा आपको मशवरा है कि आप मुझे ना इस कैरेक्टर में ना लें। कहने लगे वैसे कमाल की बात है, आपके अलावा भी बाकी लोगों ने भी यही कहा। वाह वाह। तो मुझे रीड भी कर रहे थे, वी हैड सेशंस एंड ऑल दैट, तो वो मेरे पास आया और उसमें जो ट्रायका थी, ये भी एक देखो ये भी जमाना है कि वो एक लव ट्रायंगल थी मेरी अली जफर की और सायरा खान आई गेस जी, वो थे ये तीन का था कहानी, और उसमें जो जो विनर था उस मोहब्बत में वो अली था, और वो सारा वो पूरा क्लाइमेक्स वो एक उस तरह था। फिर दोस्त साहब भी थे उसमें बड़ा, इट वाज मेगा सील जी भी उस वक्त चला था, तो वो उस वक्त मैंने भी उनसे ये कहा, और मैंने कहा क्यों आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये करूं, ये मतलब सारे कह रहे हैं और सही कह रहे हैं आप, तो वो मुझे तो लगता है कि मैं कोशिश करता हूं कि आप उसको डाउट ही करें, और फिर ये देखें कि वो जो आपकी दुकान है उसके अंदर में कितनी चीज़ें हैं जो आप बरत सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या फिर वो बिलीवेबल भी लगे, फिर आप अल्लाह से भी कहेंगे, फिर देखो यार 2 मिनट लगते हैं आपको रिजेक्ट करने में, ना ना यार मज़ा नहीं आ रहा बदलो, इतना ही होगा ना बात, और क्या हो। तो मेरा ख्याल है कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, और वो सजाद भाई की एक बात है ना, सजाद अली ने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने जितने प्लान सोचे थे उनमें से कोई भी कामयाब नहीं रहा। तो इस मामले में सजाद भाई बिल्कुल एक है, क्योंकि अगर मैं अपनी प्रोग्रेशन से चलता, फैजान के चीज़ें अपने अपने टाइम पर होती, तो जहाँ मैं शायद अब हूँ, मेरा ख्याल यहाँ मुझे कुछ 7-8 साल बाद होना चाहिए था। तो आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड, और उसके मंसूबे बहुत ही अच्छे रहे। क्या बात है, नूर भाई ये बताइए सबसे बुरा काम आपने कौन सा किया जो आपने और सबने कहा होगा यार आए हाय। नहीं सबको छोड़ें, आप खुद बताएं क्या आपको क्या लगा कि यार ये मैंने क्या किया, क्या किया करके आ गए? नहीं नहीं, उसमें तो कुछ काम तो ऐसे हैं कि वो उनका मतलब ऐसे ही ख्याल था जैसे तुम कह रहे हो, लेकिन जब सबने अच्छा कहा तो काम भी कह देते यार ये एक्चुअली डिफरेंट किया मैंने वो, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक ना नाइट टाइम का एक वाकया है फैजान। एक साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा से बोल रहा हूँ, अब हम ना और ज़रा अटेंटिव, और वो तो कहने अब अगला सवाल सुनो, कहते हैं आपको पता है कि ये लोग आपकी इतनी बात क्यों सुन लेते हैं और आपको देखते हैं? अब मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल सा सवाल है, अब इसमें मैं क्या कहूँगा? तो मैंने कहा सर आप ही बताइए, अब आप तुम उसका जवाब सुनो, मैं अब भी सोचता हूँ ना तो वो गूज बम्स लू कंडे जो है ना वो खड़े हो जाए। कहने लगा आपके और देखने वालों के दरमियान अल्लाह ने भरम और शर्म के पर्दे हाइल किए हैं। अरे वाह, अब लाइव आप जा रहे हैं रात को 2:30-3 बजे का टाइम है, आपके तो व्यूज उड़ गए, आपको लगा फोन, एक बंदा कहां से फोन कर रहा है और क्या कह रहा है, है? मतलब हाँ आप बहुत अच्छे हैं नूर भाई सारा वो तो सब चलेगा, ये कहां से बात और कर फर्ज करे उसके बाद होता है आओ मैं तुम्हें लेके जाने आया हूं। हाँ, अच्छा उस पे तो हम हर वक्त राजी है अल्लाह का शुक्र कोई टेंशन नहीं, तो हाँ वो ये अभी तुम जैसे कोविड की और वो बात कर रहे थे ना, ये मेरा ख्याल इस बात को हम सबको समझ लेना चाहिए। हमारे बड़े और बुजुर्ग हमारे बाबा मोहम्मद याहिया खान साहब, तो एक दिन वो मुझे मेरे अब्बा, उनका नाम अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, मलिक फैजुल हसन, तो वो मेरे अब्बा को भी बड़े मलिक साहब ही बुलाते हैं। तो एक दिन वो को बात होने लगी तो कहने लगे वो फिर आपको पता है बड़े मलिक साहब तो कहीं भी आ जाते हैं। अच्छा हमें ये भी डर रहता था अब्बा के कहीं भी आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा बड़े मलिक साहब से मुराद मलकुल मौत है। अच्छा इसलिए भाई बड़े मलिक साहब तो कहीं भी आ जाएंगे। अब मैं कहूँ मैं यहाँ से निकल जाऊँ वहाँ वो नहीं आए, उसने तो हर जगह आना है। बिल्कुल, तो ये जो हमने छोटी छोटी चालाकियाँ और होशियारियाँ अपने साथ लगाई हुई है ना, जितनी दवाएं अद्वियात वैक्सीन आ जाती हैं, ये अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, इलाज मिल गया, मिल गया। और आप जब अपने हाथ से किसी को खोते हैं ना आदि, फिर आपको पता लगता है कि वो एक दवा क्या होती है। मतलब इमरान खान ने अपनी वालदा को तकलीफ में देखा,
दैट ट्रांसलेटेड इनटू शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, और फिर कितनी दुआएं और वो सारा, और सब लोग जो जो काम करते हैं वो गुजरते हैं तो उनको पता लगता है, किसी का दिल चाहता है वो अपने प्यारे को अपने हाथ से या तकलीफ में जाने दें, तो आपको ही कुछ मिल जाए या अल्लाह तो कुछ कर दे, तेरी मेहरबानी, वो सब कुछ आप करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं व्यूअर्स जितने भी हैं उनसे ये कहूँगा कि आप प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगवाएँ, और माले मुफ्त दिले बेरहम होता है, आपको कदर शायद नहीं है कि वो मुफ्त फ्री में आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे लोगों से मिलें जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, तो आपको अंदाजा होगा। अल्लाह का नाम अल्लाह पे छोड़ दें, आप अपने हिस्से का कर लें, बाकी वो मालिक है। बड़े मलिक साहब कहीं भी आ सकते हैं, बड़े मलिक साहब कहीं भी आ सकते हैं जी। और जैसे इन्होंने कहा कि आप अपना काम करते चलें, हम भी अपना काम करते हैं। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नूरुल हसन, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर आदि आदिल अमजद, और वहां पे मौजूद है मिस्टर नूरुल हसन, और इनके साथ खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 यार, दिस और दैट तो छोड़ो, ये तुम लोग मुझे ये तो सिखा दो, ये जो अरे भाई ये तो ऑटो में नाटा हो जाए। अब बात हो, बजाओ इसकी गेम, बताओ क्या है इसकी गेम। ये नूर भाई की सिर्फ खत्म यहाँ पे करना है, तो लगता है जैसे आपने बहुत अच्छा कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बजाओ भाई, ओके क्या आप करना चाहते हैं? बजाओ भाई। अरे ये एक सवाल है, दो जवाब है, एक ऑप्शन आपने चूज करना है, तीसरा ऑप्शन आप नहीं इस्तेमाल। तुम दोनों में से पॉइंट्स किसके कम आजकल चल रहे हैं? अरे यार देख के आए, आप शो तो हमने देखे तुम्हारे हमेशा, लेकिन रिकॉर्डेड है बहुत सारे, चलाकी कर रहा है, मेरे मेरे कर रहा है अभी, कल पता नहीं ना, अभी हमने वो चले नहीं शो, रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत सारी। सबूर ने 5 पॉइंट दिए थे मुझे, ठीक है अफसोस हुआ है, मुझे लगता है ज्यादा खुशी नहीं हो गया, हो गया। अच्छा तो हाँ जी तैयार हैं आप? पहला सवाल है जी, ड्रेसिंग अप या फिर कैजुअल? कैजुअल कैजुअल, ठीक है। रिस्पेक्ट या पावर? रिस्पेक्ट। ओए पावर को मना कर रहे हैं आप, ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी बात है। हमारे तो लोग आपकी गाड़ी में सायरन नहीं लगा हुआ पाप पाप नहीं करते आप मेरे बाहर करके देखो, फिर देखो क्या सुनने को मिलता है। अच्छा जी, नेगेटिव कैरेक्टर्स या पॉजिटिव कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स। आय हाय हाय, अब क्या करें इसे, तो हम लड़ भी नहीं सकते, अक्सर आप मर जाते हो वैसे। वेरी गुड, ठीक है जी। टीवी या फिल्म? सोचने दोनों यार, नहीं था एक, जस्ट वन, इट्स अ वन टाइम, इट्स अ वन। हाँ अब फिल्म, मेरा ख्याल फिल्म, ठीक है। नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? यूट्यूब पे मैंने नेटफ्लिक्स नहीं देखा अभी तक। नेटफ्लिक्स देखा नहीं? आप भी मिल रहे हैं हाई फाइव। नेटफ्लिक्स आपने नेटफ्लिक्स नहीं देखा? नहीं फिलहाल, बल्कि वो कॉन्शियसली खुद ही नहीं देखा मेरा ख्याल तक, क्योंकि सारे ही बहुत ही वो क्रेज सबका हो रहा था, सारे मुतासिर भी देखूंगा बहुत हो रहे थे, तो मैंने कहा हाँ कभी देखेंगे वक्त आने। और आप नेटफ्लिक्स वाली कोई भी कॉम हो ना, उसको जब जाके बोले ना यार मैंने ये देख लिया, फर्ज करे मैंने टिंडे देखा है, वहां बोलेगा टिंडे अदरक देखो। बल्कि एक और काम हुआ, वो मैंने किसी ने किसी एक सीजन का नाम लिया, तो वो मुझे नहीं पता था कि उस सीजन में क्या है, तो मैंने भी उसका नाम कहीं ले लिया। नहीं वो बताने में देखो भाई, मुझे क्या पता वो कोई था, पता नहीं वो कोई था तो मुझे नहीं पता था, बता दिया तो यार आप तो कहा इतना है तो नहीं कर दिया, लेकिन YouTube 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 पे था, ठीक है। अच्छा जी, कुत्ते या बिल्लियां? बिल्लियां। क्या हुआ आप सवाल उधर देख के पूछा करो वाला? मैंने ऐसे पूछा कि कुत्ते या बिल्लियां। दिल तो मेरा ज्यादा था कि कहूं कुत्ते। अरे क्या कह रहे, लेकिन आपने कहा बिल्लियां, बिल्लियां, ठीक है। अच्छा, आर्ट या हिस्ट्री? आर्ट। आर्ट, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग या मॉल जाके शॉपिंग? नो शॉपिंग। नो शॉपिंग, ऐसा क्यों नूर भाई? करना नहीं, इससे इससे तो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है। नहीं नहीं बाबू, वो भी कोई और ही कर ले, शॉपिंग करके कोई और कर ले, और कर ले। अच्छा जी, ये बताइए कि फैसल कुरैशी या नुमान एजाज? आए कैसा अचानक दो लेग ब्रेक के बाद एक गुगली जरूरी है। एक ही सवाल पे हमने मेहनत की है वो ये है। हाँ चलो, इसका एक मेरे पास अच्छा जवाब है। उम्र के हिसाब से नुमान एजाज। हमने नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको हमने बोला ही ना किस से पूछने, हमने पूछी नहीं वजह, पूछी नहीं हमने, सिर्फ नाम ले, सिर्फ फैसल कुरैशी या नुमान एजाज। अब आपके जहन में है कि आप क्या सोच के जवाब दे रहे हैं, इट्स योर कॉल। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं घुमाए। अब मैं बात ही नहीं निकल रही घुमाए।
सही, इसके अलावा मिखल नुमान निजात, लेकिन फैसल को पता है कि वो फैसल कितना बड़ा एक्टर है और नोमी भाई को भी पता ही है। डोंट बी अ किडो। हां मिखल नुमान निजात, नुमान निजात ठीक है जी। कवि खान साहब या तलत हुसैन साहब? मोहम्मद कवि खान साहब। मोहम्मद कवि साहब, क्या बात है जी। अच्छा जी, मतलब इसमें मेरा बायस भी शामिल है यकीनन। नहीं बिल्कुल, आपका हो सकता है वो भी, और दोनों ही इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी देंगे तो तुम ऐसे ही पूछो कि पंजाब यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी, तो उससे मतलब वो फिर कैसे। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा। लेकिन हम जिस यूनिवर्सिटी में से पढ़े हैं वो मोहम्मद कवि खान। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। खाना पकाना या मेरे लिए खाना पकाया जाए? पकाए ना पकाए आ जाए और हम खा लें, खाना आ जाए। लेकिन मेरा अब ये दिल चाहता है आगे जितनी जिंदगी अगर बाकी है, मेरा दिल चाहता है कि मैं ये हुनर सीख लूं खाना पकाने का, अल्लाह करे। क्यों, ऐसा क्या हुआ ऐसा घर पे आखिरी बार? नहीं नहीं, घर पे तो नहीं हुआ वो मैं कह रहा हूँ होने से पहले ही एक तो। लेकिन कभी ये बात गौर करना, और ये पता है फैजान ये बात मुझे कहाँ से ख्याल है, इस जलेबी के सेट पे अफतारियाँ आई तो आए घर से, तो यहाँ पर लेके आई जी, तो जब वो हम वही चीज़ें इधर से बनी हुई और वही चीज़ें इधर से बनी हुई आ रही थी, तो उनमें ज़मीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अच्छा खाना उसको बनाना आता है जिसको खाने के साथ पकना आता है, यानी वो अपना आप इतने इखलास के साथ बनाए कि आप वो फिर कहते हैं ना कि अम्मा के हाथ का वो क्या है, वो यही ट्रिक है। सही कह रहे हैं। तो वो दिल चाहता है कि वो हुनर मैं अल्लाह करे के सीख सकूं। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। क्या हुआ, तुमने सारी इफ्तारें की है मेरे, एक जो तुमने कराई हो। कैसा, ये भी एक मेरा टैलेंट है। वेरी गुड। यार आधी शादी तो करा ले तू। सर मैं करा रहा हूँ, पैसे भी हैं, चीजें भी सारी मेरी सही हैं। मेरा दिल ये कह रहा है कि अगर तुम कुछ नहीं वो चीजें तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वो मैं कह रहा हूँ कि तुम कोई चार एक इंटरव्यू तुम ना देते थे तुम्हारी शादी हो जाती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीच में तो उसका वो जो आंखों देखा हाल बताते हो ना, वहाँ गड़बड़ हो जाती है कि वो हुआ ये कि वहाँ से। सही कह रहे हैं। मतलब मैं सच बता देता हूँ ना, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं करूंगा शादी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन करूंगा। इस साल ना, इस साल तो मुश्किल लग रही है, अगले साल अभी चार पांच महीने भाई, अभी तो कोई आदि शादी कर लो इससे पहले कि तुमसे कोई शादी कर ले। बहुत कह रही है, तुम डूब जाओगे, जाना नहीं। अच्छा जी, दिल ना उम्मीद तो नहीं या फिर इस जलेबी? ये क्या सवाल है, ये तो कोई सर ये क्वेश्चन ऐसे ही सर हम चलाकी करते हैं, असल में पेमेंट सर इसी चैनल से होनी है, तो फिर दिल ना उम्मीद तो नहीं कर लेते। अच्छा हिंट तुमने दिया, मतलब इसीलिए मैंने आसानी की। वजाहत हुसैन या काशिफ निसार? ये है गेम। बहुत सोचे नहीं नहीं, वो मेरा ख्याल है कि सैयद वजाहत हुसैन, क्योंकि काशिफ का तो सबको पता ही। ठीक है, ये भी सही। हाँ। बड़े बड़े चलाकी से जवाब दे रहे हैं नूर भाई। अच्छे जवाब जी। आदि भाई पूछिए। सर ये बताइए कि आपको बच्चे कैसे पसंद है, गोद वाले बिल्कुल नए नए आए हुए या चलते फिरते खेलते फिरते? हाँ चलते हिसाब से सवाल किया। गोद वाला नहीं ज्यादा अच्छा लगता? वो पहले वही होता है, खेलता फिरता वाला। ठीक है, ये बताइए कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना या अकेले घर पे बैठना? हाँ दोस्तों के साथ घूमना फिरना तो नहीं, दोस्तों के साथ बैठना मेरा ख्याल है। दोस्तों के साथ बैठना। हाँ, दोस्तों के साथ बैठना। ठीक है। हाँ। ये बताया, अगर आपको बारबेक्यू पार्टी में बुलाया जाए तो आप वहाँ काम करेंगे या कुर्सी पे डाल के बोलेंगे यार जरा इसको देखना है ब्राउन हो गए? मैं वो यार इसको देख ले ब्राउन हो गए। ठीक है। हाँ, और साथ वो कबाब के धोएकने वाले उसको भी खिलाऊंगा। हमारे अब्बा ये कहते थे कि जो बारबेक्यू बनाता है वो सबको कर रहा होता है, तो उसको भी कोई खिलाने वाला होना चाहिए क्योंकि उसके हाथ ऑक्यूपाइड होते हैं। बिल्कुल ये करेंगे। अच्छा जी, कैश या क्रेडिट? कैश। कैश। और इसमें एक और सवाल ये होता है हमारा कि कम कैश कम कैश या ज्यादा क्रेडिट? कम कैश। मैं आपको बोलूं कि 200 रुपए ले लें अभी कैश, या तो फिर आप 500 रुपए का चेक ले लें 3 महीने? नहीं, वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। वो 200 कैश ही लेते हैं। सुना इसमें बुश का जिक्र हुआ है? मुझे बुश पुराना प्रेसिडेंट है बेचारा जी। बिल्कुल। अच्छा, डाइन इन या फिर ऑर्डर डिलीवरी? यार अब में तो शायद उसकी वो तासीर पता लगी, लेकिन डाइन इन ही होना चाहिए वैसे, लेकिन अब तो फिलहाल में तो ऑर्डर चल रहा है। अच्छा, प्यार का इजहार मुंह पे कर देना या इनडायरेक्टली किसी तरह इशारे से उसको समझा देना? मुझे ये लगता है, पता नहीं, मैं इस पे मैंने काफी साल लगाए हैं इस बात पे, और फिर बाद में कोई बहुत काबिल फख्र भी नहीं है तुम्हारे लिए खास तौर पे। वो ये कि मेरा दिल चाहता था कि जिस प्यार को इजहार की जरूरत पड़े वो प्यार ही क्या हुआ। अक्सर ऐसी बात पे खत्म कर देते हैं। और मेरा दिल ये कह रहा है कि तुम भी आजकल इसी किस्म की कुछ चवल या खच मार रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो मेरा ख्याल ये कि वो प्यार और इजहार भी कर देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर अभी ये निदा यासी का शो था, मैं आपको कहानी सुनाता पूरी। छोड़े। अच्छा, फैमिली या फ्रेंड्स? यार ये क्या फजूल बात है भाई, ऐसे ही ये तो इसलिए छड़ी में लाया था, मतलब यार फैमिली या फ्रेंड्स, आई थिंक ये जो या है ना जी, इसको हमें कर लेना चाहिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड कर लेना। हां, फैमिली एंड, ठीक है। ये बताएं, वो कोन जो होती है आइसक्रीम कोन, उसको कैसे खाते हैं? ऐसे ऊपर से उम उम करके, या ऐसे वो नीचे पूरा जबान से सर्कल? ये मेरे ख्याल कोई देखने वाला जिसने मुझे देखा है वो बताएगा, हालांकि इससे मुझे एक वाकया याद आया लेकिन मुझे यहाँ सुनाया नहीं जा सकता। अच्छा, उसके लिए मॉर्निंग शो जाएंगे। तो कैसे खाते हैं आप, कैसे खाते हैं? नहीं नहीं, लेकिन कौन कैसे खाता होगा बंदा? हाँ, मतलब देखिए, एक तरीका है कि बाइट मार मार के, और एक होता है हमारी तरह वो नीचे से जबान सारे खाने। आई थिंक बाइट ही शायद, लेकिन वो दांतों को जरा ठंडा लगता है ना ज्यादा, तो फिर आप उसको वो लट्टू बनाना पड़ता है। लेकिन कहने वाला कोई, चलो हाँ, ये भी फिर कभी कर लेंगे बात। नहीं नहीं, बताएं ना, बताएं ना, बताएं। नहीं, मैंने बात आई, बात को मैंने तराजू में रखा, वो हल्की लगी, मैंने छोड़ दिया, फिल्टर किया और छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, प्लान्स या फिर सरप्राइजेस? आई एम वेरी बैड एट गिविंग सरप्राइजेस, लेकिन मुझे जिंदगी में बहुत अच्छे सरप्राइजेस मिले हैं। नहीं, प्लान्स नहीं। ये बताइए, दावत पे टाइम पे पहुंचना या हमेशा लेट होना? मैं वो दिल तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है वो हमेशा तो नहीं, लेकिन वो हमेशा देर कर देता हूँ मैं वाला, हमेशा हिसाब है, मतलब मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन बुरा भी नहीं हूँ। एम्बिशन या कंफर्ट? कंफर्ट, कंफर्ट, वेरी गुड। आदि भाई, हाँ, ये बताइए, शूट पे जाके जो होना वही खा लेना, या वो करना कि जी उस रेस्टोरेंट से मैं तो वो खाता हूँ वरना नहीं खाता? नहीं यार, ये तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मीन अगर आपने कुछ ऐसा मंगाना है तो फिर आप मंगा लें अपनी, लेकिन मैं, मुझे ये बात नहीं अच्छी लग सकती या मेरा दिल नहीं चाहता। ये मैं अपनी ज़ात तक कह रहा हूँ कि मैं आके ये कहूँ कि ये यहाँ डस्ट क्यों है और ये साफ़ क्यों नहीं है और वो नहीं है, वो एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करने लगें तो इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर, और वो आप करते ही रहते हैं, फिर वो वही आप उसी हवाले से जाने जाते हैं। मैंने कहा ना कि हम कभी खान साहब की वो, तो खान साहब को फॉलो अप करें तो वहाँ तो वो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो उसी पे है। दैट डजंट इवन, उसमें ये भी होता है कि आप जो ऐसा करते हैं वो भी सिखा ही रहे होते हैं, वो भी बता ही रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें दिल आज़ारी का पहलू काफ़ी होता है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैं ऑन स्क्रीन हूँ और कैमरे पे हूँ और ये सब लोग जो यहाँ स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा और बड़ा काम कर रहे हैं, तो अगर ये मैं दिख रहा हूँ तो मैं दिखने से ज़्यादा दुखना शुरू कर दूँ और इनको भी दुखाने लगूँ, वो क्या अच्छा बात है, दिखना और दुखाना, दिखना और दुखाना। हाँ, ये नहीं। अच्छा, ये बताइए, बच्चों के साथ घुल मिल जाना या मैं तो बड़ा होना है इसमें, ज़रा एक रोप होना चाहिए? नहीं, घुल मिल ही जाना, लेकिन वो चिकनाई और पानी कितना होता है, वो फिर बंदा चिकनाई ऊपर ही आ जाती। बच्चों को मुझे, मेरा दिल चाहता है कि आप इतना उनके साथ ना घुलेंगे उनकी कंफर्ट निकल जाए, ठीक है, मतलब उनको दे शुड हैव फन, वो आके कि वो फिर वो बैठ जाएं, तो वो आप साथ उनके रहें वो अच्छी बात है, और दोस्ती या वो सब वो अच्छा है, लेकिन वो एक आके आप बैठ जाएं और उनको भी ऑकवर्ड पोजिशन में डालें, वो नहीं मेरा ख्याल होना चाहिए। अच्छा जी, दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक मैं पूछूंगा, एक आदि भाई पूछेंगे। आदि भाई, पहले आप। यार मैं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। नहीं नहीं, पूछो पूछो, क्योंकि मतलब बहुत लोगों का दिल दुखता है। नहीं दुखता, नूर भाई तो बहुत इजीली हैंडल कर ले। अच्छा नूर भाई, ये सवाल ना नई जनरेशन के लिए, ठीक है, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आप, आपका एक्सपीरियंस है। आप ऐसा करें कि इस पे माशाल्लाह आप लोग जो मेलो ड्रामा करते हैं वो करें, मैं उतनी देर बैठता हूँ फिर। यार ये बड़ा मसला होता है ना, बड़ों से आप नहीं खेल सकते। मम्मी ने कहा था जी नहीं करना बेटा। अच्छा जल्दी से पूछ लो। अच्छा ये से पूछ लो, आप बताइए जल्दी से पूछ लो। ये बताइए कि मकई मसाले के साथ, बगैर मसाले के साथ? मकई मसाले के साथ, बगैर मसाले के साथ, देखो मसाले के साथ, मसाले के साथ जी मैदान में। अब आप ही जल्दी से कर लो। मैं जल्दी से, मैं तो फौरन इसमें कोई लंबी नहीं करता। आदि या फैजान? रीजन ना देगा उसके बाद, आदि और फैजान ही होना चाहिए। नहीं नहीं मुन्नू भाई, नहीं देखो इस पे तो लोग रुक जाता है। आपको पता है कल ये सेगमेंट 40 मिनट का हुआ है। अच्छा जी, क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी, वो लेट गई थी यहाँ, वो यहाँ लेट गई थी, मैं जवाब नहीं दूंगा। हमने कहा हम भी बैठे, ठीक है, क्रू वाले चले गए रोल पे डाल के। कोई रीजन नहीं देना आपने, बस एक नाम ले लेना बस। बस तो वो मेरा तो वो सोफा तुम लोगों की निस्बत टू सीटर है, मैं तो लेट जाऊंगा आराम से। अच्छा आप ले लिया, हम तो कर लेते। नहीं नहीं नूर भाई प्लीज, आपको नाम देना, कोई रीजन नहीं देना आपने। चले हाँ, रीजन तो जरूरत ही नहीं है ना, आप बस आपने बस यूं नाम लेना और ऐसे करना जैसे कभी बात ही नहीं हुई इस बारे में। बात ही नहीं हुई थी, लो तुम्हारे वाली। चलो मैं इसका एक बताता हूँ। अच्छा, इसका एक हल जी, हल हल है भाई। ओए होए, मुझे लगता है आई थिंक व्हेन इट कम्स टू यू टू, ये एक कॉइन है,
हेड एंड टेल्स की तरह, जैसे हम वो करते थे ना, चांद या जंजर, वो चांद तारा या वो, तो तुम दोनों एक कॉइन हो बेसिकली, और वो चाहे चांद तारा आए या जंजर आए, हम दोनों सूरतों में जीतते हैं। अब जो तुम्हारा दिल चाहे, नहीं लेकिन आप टॉस करें ना, कोई एक तो आएगा ही, कोई तो आएगा ना, बताएं आपके आपके टॉस में क्या, आप टॉस करें उधर, अभी के टॉस में क्या आया आपके, और यू कर लें फिर बताएं क्या आया है, ऐसा अभी के टॉस में, इसको मेरे ख्याल सीजन 4 के लिए रखते हैं, ये अगर आपने जवाब नहीं दिया सीजन 4 तक चली जाएगी। अच्छा मेरा नहीं, तुम बता, मैं तो ठहर जाऊंगा इधर, आज टीवी बंद सो जाऊंगा रात में, कोई ऐसा मसला नहीं, प्लीज हमने भी सोना, हमारा भी चेक मिलना है, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज विद ऑल आवर हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल दो है ना, हार्ड एंड सोल, नूर भाई प्लीज। तो बस ये वही हो गया ना फिर, क्या हो गया, तुम लोगों ने खुद ही दे दिया जवाब, क्या क्या हार्ट एंड सोल, अब तुम मुझसे पूछो हार्ट एंड सोल में से क्या, तो इसका क्या जवाब होगा, आप मुझसे पूछो हार्ट एंड सोल में से, हार्ट एंड सोल, हार्ट मुझसे पूछो हार्ट एंड सोल, सोल, अब आप बता दिया, मैं घर नहीं हूँ। अरे नूर भाई जवाब दे प्लीज, नहीं भाई काशी भाई तड़प रहे, मचल रहे गाना गाने के लिए, मैंने जब जब तुम लोगों का ये देखा शो, वो मुझे ये भी कभी ख्याल आया कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या कहूँगा, बिल्कुल, और वो किधर से होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नहीं मुझे, अरे नूर भाई प्लीज, मैं समझा, हाँ मैं समझा, जवाब आ गया, नूर भाई प्लीज, कम ऑन नूर भाई, हम उधर देख लेते हैं, बी अ मैन प्लीज, हम उधर देख रहे हैं, देख रहे बोल दे, हम कान भी बंद कर लेते ताकि हमें भी आवाज आए, भाई तो दुनिया देख रही है, तुम लोग ही देखते ना, देखने से क्या, हम रिपीट में देखेंगे क्या बोला आपने, अबे अपने कान, अच्छा नीर भाई प्लीज, वी इंसिस्ट, जादू पिस्ताचू, मजेदार शो कह रहे, मजेदार शो, नहीं नहीं ये मोहे भाई कर चुके, हमारे जल्दी से देखें, आदि फैजान, फैजान आदि, एजान और फादी और मजेदार शो और सलाम, ये सब हो चुका है हमारे साथ, मुहिब भाई ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, प्लीज वी इंसिस्ट फ्रॉम हार्ट एंड सोल, तो वो कर लेते फिर आदान, क्या कर लेते, कह रहे वो आदान, फिर उन्होंने सुना कि क्या क्या नहीं हुआ है, आदान कर लो, आदान, वाह नूर भाई प्लीज, आदान ठीक है नूर भाई प्लीज, यार ये आदान में दम है, काशी भाई वहां मचल रहे हैं, काशी भाई को देखे आप इस उम्र में, लड़कपन की उम्र में, अच्छा काशी भाई चले आपसे, अच्छा तुम मजे की बात, जब तुमने काशी भाई से उनके वो पूछा था जी जी, तो जी रंग का सारा के वो आया हुआ है, तो जब बुढ़ापे का जिक्र है तो मुड़ के मेरी तरफ देख रहे थे, जब यार काशी भाई शर्म करे यार, ये क्या बात हुई यार, चले नूर भाई के लिए आसानी के लिए हम काम करते हैं, हाँ काशी भाई ये स्कोर काउंट होगा, आप बताएं आदि या फैजान, चले काउंट होगा, इंसान के बच्चे वाला जवाब है, वो तो नूर भाई है, फैजान, फैजान थैंक यू, चले नहीं आपके पीछे माइक दें, आज हम सबसे करवाएंगे सबसे, फैसल भाई आप बताएं, आज बात बढ़ रही है, फैजान तो मुझे दो है, आदि आदि टू वन, हसन आदि टू टू, इमरान भाई फैजान थ्री टू जी, नूर भाई, नूर भाई थ्री टू हो चुका है, पांच पॉइंट बन गए, ठीक है थ्री इसके टू मेरे, आदान या अल्लाह भाई ये नहीं देंगे जवाब भाई, ये नहीं और ये नहीं, और वाली देखो ना, तुम्हारा शो हो या जैसे भी हो, मैं आप नाम लेंगे तो हम जाके इंडस्ट्री में भरम कराएंगे ना, कि आए थे शो पे मेरा नाम लिया, अभी देखा नहीं आपने इसको, इन्होंने आपको, मैं तो दोनों का नाम लेना चाहता हूं, सबूर का रेफरेंस दिया, पांच पॉइंट देकर गई है मुझे, मैं तो दुनिया को ज्यादा डिस्काउंट ले रहा हूँ स्टोर पे जाके, सबूर ने पांच पॉइंट दिए, 5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ देख रहे, मैं नहीं करूंगा, चले 500 एक्स्ट्रा, एक और काम कर लेते ना, तुम मुझसे ले लो 5,000, इसको खत्म कराओ, चलो छोड़ो, अभी अभी इधर ही डील, नहीं 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 ठीक है ठीक है भाई भाई ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, नूर भाई काशी भाई हमारे यार, एक मिनट, हम हमारे साथ ना एक इनविजिबल गेस्ट भी है आज, अच्छा जो कि हमारे साथ नहीं है लेकिन वो हमारे साथ है, ओके हम यहाँ से उनसे पूछते हैं, हाँ और उन्होंने जो कहा वो समझे नूर भाई ने कहा, चलें ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आदि या फैजान, एक गेस्ट है हमारे साथ, हाँ नूर भाई के जी जी हमारे साथ है जी, बताइए आदि या फैजान, और बाबा को मत देखें, हाँ बाबा ब्लैक, आप जवाब दें, आप बताएं जल्दी से, आदि आदि का पॉइंट, आज का पॉइंट मेरा हुआ, अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो तो आप फोन पे ही सुन सकते हैं, क्योंकि काशी भाई नहीं गाएंगे, काशी भाई आप हमें क्या सुनाएंगे ये बताएं, काशी भाई एक मेरे यहाँ तो बुलाया नहीं हमने आपको, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वहीं बैठ के गाओ, यहाँ अजीब से हो जाता है,
मैं यहीं आके आऊंगा। आइए आइए गाइस बाय कम ऑन गाइस भाई आप रुका ना मैं इसको मार ऐ दिल मेरे चल रे धीरे 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 ओ तू जरा संभल रे दूर नहीं है क्या की मंजूर एक बाकी रात उठना मुश्किल ओ ऐ दिल मेरे चल रे धीरे धीरे यार ने जादू किया ऐसा रोग लगा मेरी नजरों में दिन रात एक सपना जगा ओ ऐ दिल मेरे चल रे धीरे 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 ओ तू जरा संभल रे धीरे तू जरा संभल रे धीरे 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 ओ धीरे 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 ओ धीरे 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 वेलकम बैक आप देख रहे हैं मजेदार शो मेरे साथ मौजूद मिस्टर आदि आदिल अमजद उनके साथ मौजूद है नूरुल हसन साहब और अब हम खेलने लगे हैं कंप्लीट द सॉन्ग मजेदार 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 आपको एक अंतरा सुनाया जाएगा लेकिन इतना जो लुत्फ आया ये भी है दिल मेरे चल रहे का वाह वाह कैसा ये काशी भाई ऐसी नहीं भाई अपने साथ ये मुझे ये बताओ कि जो सोफे तुम लोगों के जी जी वो एक आया था लॉन्ग प्ले पीटीवी पे उसका नाम था वो जो गहराई में गए बहुत ही अच्छा था मतलब इस पे बंदा बैठे तकरीबन वो कोई इस तरह थे इसीलिए गद्दियां दबाई हुई हां ये मैं भी कोई कर लूं मैं एक दिन बैठा हुआ था यूट्यूब पे देख रहा किसी ने नीचे कमेंट किया था आपके नीचे से कपड़ा निकल रहा है वो गद्दी ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके नीचे से कपड़ा निकल रहा है यही कहने वाला है आदि भाई के लिए इसी बात बता लिया ना सऊदी अरब में से तेल निकल रहा है मुंह में से कपड़ा निकल रहा है अरे बार बार नहीं करते ना हो गया एक दफा गुजर जाने दोस्त अच्छा जी आपको अंतरा सुनाया जाएगा आपने ये नहीं कहना था कि कपड़ा निकल रहा है आपके असल बात ये थी अस्थाई सुनाएंगे तो अंतरा गैस कर ठीक है और इस बात के लिए हमने काशी भाई को रखा है ठीक है काशी भाई अमेजिंग प्लीज स्टार्ट याद है आज भी मुझको ये बस जी नूर भाई को आ रहे आ रहे आ रहे आ एक दफा और सुना दे काशी भाई इतने में उनका बस हो गया आपसे अच्छा वो गा रहे हैं इसी मोड़ पर बैठ कर इसी मोड़ बैठे बैठे बैठ कर आओ तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर शादी पे डांस करने को यहाँ आके मैं खड़ो कर बैठ जाए यार वहां से क्या सेंटर स्टेज ना अच्छा चले जाने कुछ निकल इसलिए हमें लाइव शो नहीं मिलते पता नहीं भाई आपको फिर कोई कपड़ा निकल गया तो क्या करेगा
बहुत अच्छे आओ जी, आओ जी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। अरे बाबा बस ऐसे गजल है ये तो हबीब अली, हबीब अली मोहम्मद साहब ने भी गाया और फरीदा खानम साहिबा ने भी। और ये है कि काशिफ भाई को देखो ना ऐसा लगता है वो छोटा बच्चा ना अंकल से मिलने बात करके मोबाइल पे देख नहीं अकेले अकेले नहीं ठहरो अकेले ठहर जाओ यार तुम ठहरो एक मिनट कह रहे अकेले ठहरो अकेले ठहरो ठहरो अकेले ठहरो ये उसमें गाना नहीं ये वो है मशवरा है ये होटल की रिस्ट्रिक्शन है ठहरो अकेले अच्छा ये रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा आपस में कर लेना तकाजा है कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है गमी दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल में पुकारा है कहाँ हो तुम। अच्छा वो मैं दूसरा कह रहा था वो गलत वो था वो क्या है जो अभी ना जाओ छोड़कर वो तो दिल अभी भरा नहीं नहीं आज जाने की ये राग एक ही कुछ है ना एक है ना हाँ आज जाने की काशी भाई को भी किसी ने कहा था जाने की जितना करो बस चले जाओ यार निकलो जनाब जी काशी भाई आप ये हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं मोबाइल से गाने पूछ रहा हूँ अगर मैं आपको बताऊं इनका मोबाइल छीने ना ही निकलेगा ये अंदर से देखते हैं डिजिटल फर्रे बना के लाते हैं डिजिटल फर्रे यूं कर रहे होते हैं कहां लज्जते गम से आशिना हो कहे अपने महबूब से जुदा हो कहे एक बार और लज्जते दोबारा से हो जाए लज्जते गम से आशिना हो कहे अपने महबूब से जुदा होकर। अरे वाह अच्छा ये काम जो मैं करने लगा हूँ ये साहिर बहुत अच्छा करते हैं वो बहादुर भी हैं गा भी लेते हैं वो सारा और उनको बहुत रियाजत भी वो है वहाँ है तो बिल्कुल नहीं है लेकिन वो कोशिश कर लेते हैं माफ़ी तो है ही वहाँ वैसे तो वो है कि किड़ा सी गाना हाँ लज्जत गम से आज ना जब कहीं चैन तो ना पाएगा कोई जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा लज्जते गम से लेकिन जो लज्जत इनके पास है ना वैसे ये यूं आते हैं पता नहीं क्यों आपकी शर्ट में से ये नाड़ा निकल रहा है तुम्हारी कौन सी थी लज्जत भाई जो लाल नहीं नहीं बेटा काशी भाई का नाड़ा निकल रहा है शर्ट से अरे नहीं ना वो स्टाइल है अच्छा ये काशी भाई जी काशी भाई काशी भाई खुद फरे बी सी खुद फरे बानो और दागे दिल हमको याद आने लगे क्या बात दागे दिल हमको याद आने लगे इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे परवेज मेहदी साहब के बेटे उन्होंने जो इसको दोबारा गाया बहुत ही मुश्किल और इतना खूबसूरत थे प्यार से और वो दोनों ही बहुत टैलेंटेड अली भी और दोनों भाई बहुत ही तो लेकिन आप देखें वक्त कैसा बदलता है काशी भाई गा रहे नूर भाई कहां से शुरू हुआ
काम हुआ जी दाग दिल दाग पर रुपया आ गया नेक्स्ट खुद ही कह रहे अपनी तरह से जज बने इस नेक्स्ट के अंदर एक और भी था वुमन बाहर मिल नेक्स्ट क्या बात है यस नेक्स्ट जी काश भाई आप सुने गाते में अच्छा इंसान हंस भी सकता है आप सीरियस आप ऐसा था अफसोस करने आए हो मैंने नोट किया आप उनको टेस्ट की तरह सुना रहे हैं चलें आपको ये कहना चाह रहे हैं कि माशाल्लाह जितनी गैर संजीदगी से आप लोग अपना काम कर रहे हैं मैं अपनी संजीदगी से करता हूं ये नूर भाई आपकी तरफ आज चलें सुनाएं वाह भाई वाह इस दिल के मुंह सीधा किया लाइट आई है अरे यार मुंह में आरे नोट के मुंह में लाइट आई है यार काश चल कंटिन्यू शुरू से अच्छा हां कर सकते हैं नहीं अब क्या कहा उन्होंने हो गया चलो जी नहीं चलेगा ये शान बेनियाजी ये बेरुखी कालम ये शान बेनियाजी ये बेरुखी कालम ये नियाजी कोच वालों का गाना है शाम ये नियाजी वो पहुंच गए नूर भाई कहाँ अड्डे पे नहीं यार ही मैं फॉल से वो गया तो हूँ आप वापस आ जाओ नहीं आ रहा हूँ क्या आ रहा हूँ सो गए नूर भाई सो गए नहीं नहीं सुनाएंगे सोच रहे आएगा और आते हिंट दे देते आप हारना भी चाहिए वैसे तो लेकिन नहीं ठहर जाओ मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज हुआ है ये आया रिमुर साहब नहीं नहीं आप वो मगर कुछ है इमरान भाई जरा कुछ लोग रूठ कर भी वाह 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 लगते हैं कितने प्यार लगते हैं लगते यार ये कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यार और जो और आप काशी भाई को देखें लेकिन इसमें जोर है कुछ लोग कुछ चंद काजू ये मैं कह रहा हूँ आप उधर देख के क्लोज में गा के दिखाएं मुझे हंसते हुए कैमरे में ये कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे आई बे नेक्स्ट और आखिरी आखिरी नेक्स्ट एंड लास्ट अच्छा चलें आखिरी में कंपटीशन कर लेते हैं ओ हम भी हैं हाँ जिसने गेस किया वो पूरा राउंड जीत गया वो ठीक है तुम जीतो आसान कर खत्म हो गया सेगमेंट चलें जी काश भाई इस दिल के दरीदा जी उठो अब कुछ करो ये आपने आखिरी गाना ये दिया इनको हाँ मुश्किल वाला दे मुश्किल मुश्किल गाना वो दे फर्रे में से दे फर्रे दे डिजिटल फर्रे डिजिटल अरे उसमें लिखा हुआ है मुश्किल आसान वो देखो हाँ मुश्किल क्या आप बेगम का मैसेज आके दही ले आना जी काश भाई एक मिनट में कौन सी वीडियो देख रहे हैं एक मिनट में जी काश भाई एक मिनट में ये मुश्किल गाना आप तो बता देंगे क्या पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी नहीं मैं गा तो नहीं सकता हाँ हाँ दुनिया भी बता देंगे रंजिश ही सही दिल ही वो मैम बुशरा अंसारी ने जब वो किया ना बिजली का तो उसमें उन्होंने इसको वो किया था वो कुछ यूं था कि हाँ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए वो करते थे उसपे वो बिजली का जो रोल था क्या बात है वो बड़े वो उन्होंने वो उसपे ये वाला वो किया था बहुत अच्छा शोशा में था शायद जी बिल्कुल आदि भाई जरा सुनाए ना ये वाला आ फिर से जा आए नहीं आ
म्यूजिक शादी का कौन सा बताएं तो आप कौन सा म्यूजिक शादी का और आप बेस कीबोर्ड एफ मेजर एफ मेजर फालतू एफ मेजर क्या हुआ चोट लगी तुम्हारी आज चोट वाली है आज देखिए मेरे सुर को छेड़ा है सॉरी गाना कौन सा था आज जाने की जितना करो ना अरे आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए ये नहीं आता मुझे क्यों पिक एंड ड्रॉप वालों के लिए गाना ये आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए यार आप अगला गाना नहीं नहीं आखिरी था कौन सा यार सुनाए ना मैं गाना प्लीज अच्छा रो भाई वो साथ साथ रंजिश सही मेहंदी हसन खान साहब आप क्यों सॉरी यार गलती हो गई एक बंदा कह रहा है मैं गा एक बंदा कह रहा है मत गाओ नहीं नहीं ये नहीं बड़े सिंगर गाना है आप कह रहे हो अच्छा ठीक है मैं गा देता हूं एक एक गाना हमारी एक कॉलेज की एक याद है वो उस पे हम कर लेते हैं चलो अरे वाह लेकिन जहां तक सांस पता नहीं कहां तक होगा लेकिन वो करके देखते हैं सांस का जगह दिया बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है माफ कर दे मुझे वो है गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना गोरी डर तुझे किसका है मेरा तो रंग गोरा है सांवला सलोना रंग कितनों को भाता है हाय जिसे देखो गोरियों के पीछे चलाता है सांवला सलोना रंग कितनों को भाता है जिसे देखो गोरियों के पीछे चलाता है गोरे रंग का जमाना कभी बना पुराना गोरी डर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है भाई हमने कॉलेज के एक हमारा था वेलकम था मेरा ख्याल तो वहां ये गुनगुनाया था किसको डेडिकेट तो किया था जिनको किया था उन्हीं को आज फिर कर देते अरे वाह 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 कौन थी वो नहीं बच्चों ये इतना सवाल वो इसका वो कौन थी बाकी बैठा था गाने में उन्होंने कहा तेरा तो रंग गोरा है जी काशी भाई ये आपका आखिरी गाना था खुद ही कह रहे हैं समझ तो गए होंगे क्यूट है काशी भाई नूर भाई थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फैजान और आदि एक तो बहुत शुक्रिया और मैंने एक चीज जो व्यूअर्स और खास तौर पे जो नए जो लोग काम करने आ रहे हैं और करना चाहते हैं जब आप इनको बहुत लाइटली और बहुत आराम से चीज़ों को एफर्टलेसली करते हुए देखते हैं दे हैव वर्कड वेरी हार्ड इन्होंने बड़ी मेहनत की है इन दोनों ने इनके साथ बड़ी दुआएं हैं और ये जो मेहनत है ना ये दुआ का मैग्नेट भी हो जाती है अगर इसका एहसास ना हो आप करते चले जाएँ और अगर सिर्फ मेहनत ही पे भरोसा हो फिर मुश्किल पड़ जाती है लेकिन मैंने आई हैव सीन आदि ऑन स्टेज मैंने पहली बार काम करते देखा फैजान को देखा है जो कन्विक्शन इनकी आंखों पे इनके चेहरों पे थी और शुक्रिया साकिब का साकिब समीर का जिनकी बदौलत मैं इन दोनों को मिल सका ज़रूरी बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कामयाबियाँ आएँ या नाकामियाँ आएँ आपको वैसे ही रहना चाहिए और मैं बड़े फ़खर से इस प्लेटफॉर्म पे टीवी वन के इस मज़ेदार शो में ये कह रहा हूँ कि ये दोनों वैसे ही हैं सो आप ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि ये ऐसे ही फलते फूलते रहें खिलते खिलखिलाते रहें और जिस तरह से ये कन्विक्शन के साथ मेहनत से काम करते हैं वो आप भी करेंगे तो आप यहाँ भी बैठे होंगे और यहाँ भी बैठे होंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और बहुत शुक्रिया फैजान बहुत शुक्रिया आदि टीवी वन का बहुत शुक्रिया मैम अंजुम का बहुत शुक्रिया जिनकी बदौलत हम यहाँ पहुँचे और आपस की बात है ये आज का जो शो है ना इसके मुतल्लिक कर ही लें एक बात वैसे जी जी प्लीज प्लीज वो एक साहब थे तो वो फौज में मुलाजिम थे तो वो वर्दियाँ जो है ना उसको रंगते थे उसी रंग में वो रिटायर हो गए और उसके बाद उन्होंने एक दुकान खोल ली दुपट्टा रंगने की तो पहला दिन था तो एक खातून आई तो उन्होंने कहा भाई ये सुर्ख रंग है तो इसको ना आप ये रंग दें उसने देखा तो उसने कहा भाई जी वो खाकी करा लें
कहा नहीं सुर्ख रंग है ये मेरे मैचिंग दुपट्टा है। कहा जी जी मैम। वैसे मैं कह रहा था कि खाकी भी करा लेते तो अच्छा ही हो जाता। उसने कहा कमाल बात करे हो, मेरा दुपट्टा है वो सुर्ख करना है बस ये रंग करे। भाजी वैसे ज़मीन का रंग है खाकी। उसने कहा थोड़े मैं किसी और से कराते। नहीं 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 भाजी मैं करूँगा तो सुर्ख ही खाकी हो जाए तो फिर आप बुरा ना बनाइएगा। तो मेरे जैसे जिस शो में जाते हैं वो खाकी ही रहता है तो उसकी बड़ी माजरत। इट्स अ फन शो और इट्स अ प्लेजर टू सी फैज़ान एंड आदि। और मेरा ये दिल है कि आप में से जितने सारे लोग भी हैं और अल्लाह ताला जोड़ियाँ चाहे वो ओपनर्स की हों, क्रिकेटर्स की हों, म्यूज़िक बैंड की हों, उनको सलामत रखे। क्योंकि एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो जो दोनों का कामयाब कॉम्बो है वो एक दूसरे से भी कोई मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन ये जैसे एक दूसरे को सब्सटेंशिएट करते हैं हमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि आप किस तरह से रूम। और ये आसान नहीं होता। अभी तो मुझे किसी ने बताया कि अब वो बीवी को अब वो कहते हैं कि बेटर हाफ नहीं कहते, अदर हाफ कहते हैं। ये भी मुझे पता लगा। हाँ पता नहीं किसी ने कहा कि बेटर नहीं वो तो अदर हाफ कहते हैं, वरना आपको कोई बराबर रखें। लेकिन ये जो है ना इट्स अ ग्रेट कॉम्बो। और मेरा ख्याल है कि जितना अच्छा शो जितनी मेहनत से जितनी लगन से ये करते हैं उसकी एक कुंजी मैं आपको दे सकता हूँ और वो कुंजी कमाल की है इन दोनों के पास और वो है अदब। आप इनको कभी अपने बड़ों के साथ में देखें तो आपको पता लगेगा कि इनके पास कौन सी चाबी है जिससे कामयाबी के सारे दरवाजे खुलते चले जाते हैं। वैसे एक ज़माने में तो वो उससे भी हर दरवाज़ा खुलता चला जाता था लेकिन वो अब नहीं है सिलसिला, तो अदब से खुलता है दरवाज़ा। थैंक यू सो मच फैज़ान आदि, बहुत शुक्रिया बॉस, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे लगा इसलिए आप कहने लगे बॉस निकलो। इसलिए शुक्रिया कि किसी भी सुर वाले आदमी का बेसुरों के साथ गुजारा करना ये बड़ी है। मुझे लगा मैंने बॉस आप अब तक बैठे। अच्छा यार आप बैठ गए, आप बैठिए। मैं नहीं कुछ बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ प्लीज। अच्छा मैं सबको वैसे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर ना कहीं कमेंट आ जाता है कि यार आप काशिफ भाई से ही हो। हम काशिफ भाई के हमारा मेरा कम से कम स्क्रीन का जो सही वाला सफ़र है वो काशिफ भाई के साथ शुरू हुआ है। तो वो हमारा मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन इसका लोग अक्सर हमारे यहाँ तो ये होता है कि जी आदि और फैज़ान के जवाब में लोग समझते हैं कि हमारा कोई मुकाबला चल रहा है कि मतलब शो के बाद हम कहते होंगे कि बेटा जा तेरे नंबर कम है तो छोटा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो खुश लोग होते हैं ना वो मजाक करते हैं, आपकी तरह से कमेंट पे गालियाँ नहीं देते, ये मजाक ऐसे होते हैं इसमें सब हंसते हैं, दूसरा भी हंसता है और बात खत्म हो जाती है। घर पे जाके अपनी अम्मी को शिकायत नहीं लगाते। हाँ। तो प्लीज इजी हो जाए जिंदगी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे वाह क्या बात है जी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा इंतहा डिफरेंट शो पसंद आया। हमने इतना एंजॉय किया इसको करते हुए कि मेरे कान में जो है ना इसमें मुसलसल तारीफ हो रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं बात करूं या यहां सुनूं क्या हो रहा है। लेकिन एक ये भी कह रहे थे कि जल्दी करो अगला शो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारे एक अलग मसाइल हैं जो नूर भाई को पता है। लेकिन नूर भाई अगेन इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू, बहुत मजा आया। और आपका वादे पे आप रहिएगा, सीजन 3, 4, 5 जब भी हो आपने जरूर आना है इंशाल्लाह। हां लेकिन आप जिंदगी में कितना मर्जी करा ले हमारे लिए आदि और फैजान नहीं है, इट्स ऑलवेज आदि एंड फैजान। थैंक यू नूर भाई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले हमें काशी भाई फिर कुछ सुनाएंगे। जी काशी भाई क्या सुनाने लगे? कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ तू ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है कुछ ना कुछ कहो इसीलिए तो हूँ। मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहो फिर ये सोचता हूँ तू ना चुप रहो। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं इसीलिए तो हूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। We'll be right back.
छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती है वो सारी बातें किसको सुनाऊं अच्छा यही है भूल ही जाऊं ओ हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं आरजू ये होती है ना कह सकूं इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ फिर ये सोचता हूँ तू ना चुप रहूँ फिर ये सोचता हूँ चुप रहूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीम महराज, मैं आ रहा हूँ आदि और फैजान के साथ मजेदार शो में सिर्फ टीवी वन पर, देखना मत भूलिएगा। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।